हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 359। और जो बोन के सेशंस हैं उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये फिफ्थ सेशन है बोन पे, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ बोन्स। जो पहले चार सेशन थे उसमें हमने बोन का पार्ट्स, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बोन जिसमें स्पॉन्जी बोन, कॉम्पैक्ट बोन, इन सब की बात की थी। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है एक अलग टाइप्स ऑफ बोन्स का। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन वो टाइप ऑफ बोन टिश्यू है, मतलब बोन टिश्यू दो टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। लेकिन बोन्स के टाइप्स की अगर हम बेसिकली बात करें तो टोटल पांच टाइप्स की बोन हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले है लॉन्ग बोन्स, फिर शॉर्ट बोन्स, फिर फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सेजमॉइड बोन्स। ये पाँच अलग अलग टाइप्स की बोन हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक बार मैं इनके नाम पर चलता हूँ। देखो, लॉन्ग बोन्स नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी बोन्स जिनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और विड्थ बहुत कम होती है। ये देखो आप, ये एक बोन ले लो आप, ये लॉन्ग बोन है। उसके अलावा आ गई शॉर्ट बोन, सेकंड टाइप। शॉर्ट बोन मतलब जिसका लेंथ और विड्थ करीब करीब सेम रहता है, वो शॉर्ट बोन। अभी आप यहाँ देख लो आप, ये जितनी विड्थ उतना ही करीब करीब लेंथ, तो ये हो गई शॉर्ट बोन। तीसरी है फ्लैट बोन, जैसा नाम बता रहा है फ्लैट मतलब चपटा टाइप, ऐसी बोन जो बिल्कुल ऐसी चपटी टाइप रहती है वो फ्लैट बोन। चौथी है इरेगुलर बोन, इरेगुलर बोन्स मतलब जिनका कोई प्रॉपर शेप वगैरह नहीं होता, उनको इरेगुलर बोन्स कहते हैं। और सबसे लास्ट है सेजमॉइड बोन्स। अभी सेजमॉइड बोन्स बेसिकली ये वर्ड जो है वो सेजम से लिया गया है, सेजम तिल जिसको कहते हैं हम लोग, तो तिल के दाने जितना इसका साइज रहता है इसलिए इसको सेजमॉइड बोन्स कहा जाता है। तो ये पांच अलग अलग बोन्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग बोन्स यानी ऐसी बोन्स जिनकी लेंथ उनकी विड्थ से कहीं ज़्यादा रहती है। लॉन्ग बोन्स का जो स्ट्रक्चर है यानी एपिफाइसिस, डायफाइसिस, एपिफाइसियल प्लेट, मेटाफाइसिस, उस पर एक अलग ही वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ इसके पूरे स्ट्रक्चर पे, उसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हो। हमने ऑलरेडी उस वीडियो में डिस्कस किया है कि इसमें एक शाफ्ट जिसे कहा जाता है डायफाइसिस और एक्सट्रीमिटीज़ जिन्हें कहा जाता है एपिफाइसिस वो प्रेजेंट होते हैं। तो बीच का पोर्शन डायफाइसिस और ये जो इनके एंड होते हैं इनको कहा जाता है एपिफाइसिस। अगर आप लॉन्ग बोन्स का स्ट्रक्चर देखोगे, अभी ये सारी लॉन्ग बोन्स है, देखो ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फेलेंजेस, ये सारी लॉन्ग बोन्स हैं। इन सब लॉन्ग बोन्स में ना हल्का कर्वेचर रहता है, और ये कर्वेचर मल्टीपल प्लेन्स में रहने की वजह से इन बोन्स को जो है स्ट्रेंथ हमेशा मिलती है। हिस्टोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन में इसकी हिस्टोलॉजी, कि लॉन्ग बोन में अगर मैं डायफाइसिस की बात करूँ यानी ये बीच वाला पोर्शन, इसके शाफ्ट पोर्शन की बात करूँ, तो मोस्टली इसमें प्रेजेंट रहता है कॉम्पैक्ट बोन बाहर की तरफ। ये देखो, ये बाहर कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट है, और अंदर की तरफ प्रेजेंट रहता है स्पॉन्जी बोन। ये यहाँ पर ये स्पॉन्जी बोन, और बीचों बीच आ जाएगी आपकी मेडुलरी कैविटी। सब डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हो। और अगर एपिफाइसिस की बात करें तो एपिफाइसिस में मोस्टली जो है स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, जबकि कॉम्पैक्ट बोन में मोस्टली जो डायफाइसिस वाला पोर्शन है उसमें आपको मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन देखने को मिलेगी। ये स्ट्रक्चर देख लो आप, सबसे बाहर मैं डायफाइसिस की बात कर रहा हूँ, इस डायफाइसिस का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रहा हूँ। तो बाहर तो आपको मिलेगा पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम से अंदर की तरफ यहाँ तक ये पूरा कॉम्पैक्ट बोन, तो आपको क्लियर ऑस्टियंस दिख रहे होंगे। अगर आप, हमने ऑलरेडी वीडियोज रिलीज़ कर दिए हैं कॉम्पैक्ट बोन पे, स्पॉन्जी बोन पे, उनके स्ट्रक्चर पे, तो उनका भी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आपको आई बटन पे, वहाँ पे जाके आप ये स्ट्रक्चर देख लेना। इनको ऑस्टियंस कहते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट बोन, और फिर अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये स्पॉन्जी बोन यहाँ प्रेजेंट है लॉन्ग बोन्स में। तो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। अब आपकी बॉडी में लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी है इसकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे हमारे हाथ की, तो इसमें आपका ह्यूमरस, जो आपका शोल्डर, ये शोल्डर है, शोल्डर से यहाँ पे ह्यूमरस, ये वाली बोन जो रहती है इसको हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। इन सब बोन्स पे हमारी बॉडी की जो टोटल 206 बोन्स हैं, उन सभी 206 बोन्स पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आज से करीब साल भर पहले अपलोड किया था, और मुझे बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को। एक साल में मुझे करीब 11 से 12 लाख व्यूज़ मिले हैं उस एक सिंगल वीडियो पे, जिसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। तो ह्यूमरस लॉन्ग बोन है, रेडियस अल्ना यानी जो आपका ये वाला पोर्शन है आपके एल्बो से लेकर रिस्ट तक, यहाँ दो बोन्स प्रेजेंट है जिनको रेडियस अल्ना कहा जाता है, ये भी लॉन्ग बोन्स है। उसके अलावा आपका मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स यानी जो आपकी पाम की जो बोन्स है पांच, ये
ये जो पांच बोन्स हैं ये पांचों बोन्स भी लॉन्ग बोन्स में आती है, और सारी की सारी फेलेंजेस, फेलेंजेस मतलब आपकी डिजिट्स। तो ये जो बोन दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 गिनते हैं ना हम लोग, तो ये जो टोटल 14 बोन्स हैं ये सारी की सारी जो है आपकी लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में आती है। उसके अलावा अगर हम हमारे पाँव की बात करें तो लेग में सबसे पहले ये आपकी थाई बोन, ये हिप से लेकर नी तक की जो बोन है फीमर, जिसको थाई बोन ही कहा जाता है, ये फीमर। उसके अलावा फिब्यूला, टीबिया यानी ये जो शैंक वाला पोर्शन है इसको शैंक कहा जाता है, नी से लेकर एंकल तक का जो एरिया रहता है उसको शैंक कहते हैं, कहते हैं। शैंक में दो बोन्स होती है, फिब्यूला और टीबिया, ये भी लॉन्ग बोन्स का एग्जांपल है। फिर आता है मेटाटार्सल्स वाला एरिया, जैसे आपके ये पाम वाला पोर्शन में पांच बोन्स हैं वैसे ही आपके पाँव में नीचे की तरफ भी पांच बोन्स होती है मेटाटार्सल्स, और आपकी फेलेंजेस यानी कि जो डिजिट्स होते हैं जिनको आप टोज कहते हो पाँव में, उनकी बोन्स ये होती है। देखो बेसिकली ये स्ट्रक्चर रहता है आपका, ये मेटाटार्सल्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये फेलेंजेस हैं, ये फेलेंजेस हैं। तो ये सारी लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में ही आता है, इनको मत देखना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लॉन्ग बोन्स नहीं है, ये टार्सल्स कहलाते हैं, ये टार्सल्स कहलाते हैं लेकिन ये लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में नहीं आती। ये डिफरेंस देख लेना आप, कार्पल्स और टार्सल्स ये दोनों लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में नहीं आते। कार्पल्स प्रेजेंट है आपके रिस्ट वाले एरिया में यहाँ पे, और टार्सल्स प्रेजेंट है आपके एंकल वाले पोर्शन में, ये टार्सल्स हैं, ये लॉन्ग बोन्स नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट बोन्स छोटी बोन्स जिनका लेंथ और जिनका विड्थ ऑलमोस्ट सेम रहता है उनको हम कहते हैं शॉर्ट बोन। इसका अगर आप हिस्टोलॉजी देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम में इसके स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट है, और बाहर एक पतला सा लेयर प्रेजेंट है कॉम्पैक्ट बोन का। जब हमने स्पॉन्जी बोन का वीडियो देखना उसमें हमने डिस्कस किया है कि स्पॉन्जी बोन हमेशा कवर्ड रहती है एक कॉम्पैक्ट बोन से। तो ये हो गया आपका शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में मेनली आपको स्पॉन्जी बोन टिश्यू मिलेगा एक्सेप्ट एट दिस सरफेस, जिस पे एक थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू प्रेजेंट होती है फॉर प्रोटेक्शन। और मोस्ट ऑफ द कार्पल्स एंड टार्सल्स आर शॉर्ट बोन्स, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि केवल कार्पल्स और टार्सल्स जो हैं वो शॉर्ट बोन्स की कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग बोन्स की कैटेगरी में नहीं आते। यानी जो अपना पूरा हाथ और जो अपना पूरा पैर है उसमें केवल कार्पल्स और टार्सल्स ही ऐसी बोन्स हैं जो लॉन्ग बोन्स नहीं हैं, बाकी सब लॉन्ग बोन्स हैं। एक बार मैं बता दूँ, ह्यूमरस लॉन्ग बोन, रेडियस अल्ना लॉन्ग बोन्स, ये कार्पल्स हो गई रिस्ट वाला पोर्शन, ये शॉर्ट बोन्स, फिर ये मेटाकार्पल्स ये लॉन्ग बोन्स, और फेलेंजेस लॉन्ग बोन्स। सिमिलरली पैरों की भी अगर मैं बात करूं, देखो ये यहाँ इस पिक्चर में देख लेना, ये सारे के सारे कार्पल्स हैं जो कलरफुल दिखा रखे आपको, ये सारे के सारे जो हैं ये इसी का एनलार्ज्ड वर्जन है, ये सारे के सारे शॉर्ट बोन्स हैं। इसी तरह पैर में बात करूं तो ऊपर से शुरू करें यानी तो सबसे पहले थाई बोन लॉन्ग बोन है, उसके बाद में आते ही है आपका टीबिया और फिब्यूला लॉन्ग बोन्स, उसके बाद में आते हैं टार्सल्स। तो ये टार्सल्स है देखो यहाँ पे, अगेन टार्सल्स शॉर्ट बोन्स हैं। टार्सल्स के बाद में आ जाएंगी मेटाटार्सल्स, ये हो गई जो कि लॉन्ग बोन्स है, और फिर फेलेंजेस जो कि लॉन्ग बोन्स है। तो टार्सल्स एंड कार्पल्स ये हाथ और पांव में यही केवल ऐसी बोन्स हैं जो कि लॉन्ग बोन्स नहीं होती। हाँ, हमारे पैर में एक बोन ऐसी है टार्सल्स के अलावा जो लॉन्ग बोन नहीं है, वो भी हम थोड़ी देर में अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो ये है सारी आपकी टार्सल्स, जो आपकी मेन जो एंकल वाला पोर्शन है वो जिन बोन्स से बनता है वो टार्सल बोन्स कहलाती हैं। इनमें से मोस्टली जो है वो आपकी शॉर्ट बोन्स ही रहती है। मैं अगेन बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम आर शॉर्ट बोन्स बट नॉट ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लैट बोन्स। पिक्चर देखो आप, बिल्कुल फ्लैट चपटा, ऊपर कॉम्पैक्ट बोन की लेयर आ गई, नीचे कॉम्पैक्ट बोन की लेयर आ गई, और इन दोनों के बीच में सैंडविच होके बैठा है स्पॉन्जी बोन, और पेरिओस्टियम तो सब पे प्रेजेंट होता ही है। पतली सी बोन्स रहती हैं ये, और कॉम्पैक्ट बोन्स की दो नियरली पैरेलल प्लेट्स हैं, देख लो इस पिक्चर में पैरेलल प्लेट्स हैं किसकी, कॉम्पैक्ट बोन की। यहाँ पे देखो ये कॉम्पैक्ट बोन की ये प्लेट और ये कॉम्पैक्ट बोन की प्लेट, दोनों एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल, और उन दोनों के बीच में प्रेजेंट है स्पॉन्जी बोन। तो ये हो गया सारा फ्लैट बोन का स्ट्रक्चर। अब बिकॉज ये फ्लैट बोन्स है तो इनका सरफेस एरिया काफ़ी रहता है, इस इतने अच्छे सरफेस एरिया की वजह से ये मसल अटैचमेंट के लिए बहुत उपयुक्त जगह, बहुत अच्छी जगह प्रोवाइड करती है, और उसके अलावा प्रोटेक्शन तो कॉम्पैक्ट बोन की वजह से है ही।
एग्जाम्पल्स की बात करें फ्लैट बोन्स में, तो फ्लैट बोन्स के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स में आपकी क्रेनियल बोन्स, यानी जो आप पढ़ते हो फ्रंटल बोन, फिर ये आ गई आपकी पैराइटल बोन, ये टेम्पोरल बोन, स्फिनॉइड बोन, उसके अलावा आपकी ऑक्सीपिटल बोन्स, ये सारी की सारी फ्लैट बोन्स की कैटेगरी में आती है। उसके अलावा स्टर्नम बोन, अगेन अ फ्लैट बोन। उसके अलावा आपका स्केपुला, जो आपका पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है, ये भी एक फ्लैट बोन है। और फिर सारी की सारी 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिब्स हैं आपकी, वो सारी की सारी फ्लैट बोन्स हैं। याद रखना है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, यानी टोटल 24 रिब्स होती हैं। ये सारी फ्लैट बोन्स का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं इरेगुलर बोन। लॉन्ग हो गई, शॉर्ट हो गई, फ्लैट हो गई। इसके अलावा जो बोन्स जिनका कोई पर्टिकुलर शेप या ऐसा नहीं होता, उनको कहा जाता है इरेगुलर बोन्स। यानी वो बोन्स जिनको आप ऊपर की तीन कैटेगरी में कहीं नहीं डाल पाए, उनको हम लोग इरेगुलर बोन्स बोल देते हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स शेप रहता है इनका, अलग अलग टाइप का, तो कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसलिए इरेगुलर बोन्स। अब सब में जो प्रोपोर्शन है स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन का, वो अलग अलग रहता है। एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहले पेल्विक गर्डल में जो हिप बोन्स प्रेजेंट होती हैं आपकी, ये हिप बोन्स जिन्हें इनोमिनेट बोन्स भी कहा जाता है, इसी के पार्ट है ना इलियम, इस्चिम और प्यूबिस, ये हिप बोन्स इरेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल है। उसके अलावा आ जाएंगे आपके मोस्ट ऑफ दी फेशियल बोन्स। अगेन मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ दी फेशियल बोन्स, ज़्यादातर फेशियल बोन्स जो हैं वो इरेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल है। उसके अलावा कैल्केनियस, अब ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देखो ये जो बोन हमने इस डायग्राम में शो कर रखी है, ये कैल्केनियस बोन है, और कैल्केनियस बोन एक टार्सल बोन है, ये ध्यान रखना है आपने। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ़ दी टार्सल्स, इसलिए वहाँ पे क्या कहा मैंने, मोस्ट ऑफ़ दी टार्सल्स, यानी ज़्यादातर टार्सल्स वो हैं जो हैं वो शॉर्ट बोन्स का एग्जाम्पल है। लेकिन कैल्केनियस एक ऐसा टार्सल है जो कि इरेगुलर बोन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। और उसके अलावा जितनी भी वर्टिब्री है हमारी, वो सारी की सारी वर्टिब्री, जो 26 वर्टिब्री होती है टोटल एक एडल्ट ह्यूमन में, वो सारी 26 वर्टिब्री जो है वो इरेगुलर बोन्स का एग्जाम्पल है। अगर आप इन सभी बोन्स को एक साथ पढ़ना चाहते हो कि हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स कौन सी होती है, तो उस पर एक पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और सबसे लास्ट में बात करते हैं सेसामोइड बोन्स। जैसा मैं आपको हर बार सिखाता हूँ कि साइंस में कभी भी जब ऑइड वर्ड यूज़ किया जाता है एज ए सफिक्स, तब उसका मतलब होता है लाइक, यानी उसके जैसा। तो सेसामोइड का मतलब क्या हो गया, सीसम जैसा। सीसम किसको कहते हैं, जो तिल देखा होगा आपने, तिल के लड्डू और बनते हैं हमारे घर में, उस तिल को सीसम कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सीसम सीड के जैसा शेप रहता है इसका, इसलिए इनको सेसामोइड बोन्स कहा जाता है। बहुत छोटी रहती है ये, कुछ ही मिलीमीटर इनका डायमीटर रहता है। और अब सेसामोइड बोन्स का ना एक स्पेशल फॉर्मेशन का रीज़न है, ये आपको वहाँ मिलेगी, कुछ टेंडन्स के ऑसिफिकेशन से बनती है ये। ऑसिफिकेशन मतलब क्या हो गया, ऑसिफिकेशन वो प्रोसीजर है जिससे बोन का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली होता क्या है, हमने बोन टिश्यू की बात की, हिस्टोलॉजी ऑफ बोन वाला वीडियो देखा, देखना आप, उसमें हमने बात की कि बोन टिश्यू बेसिकली क्या है। तो कई बार टेंडन्स में जब बोन टिश्यू का डिपोजिशन होने लगता है, तो उसे कहा जाता है ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। और ये कब होता है, ये पर्टिकुलर उन एरियाज में होगा जिन एरियाज में फ्रिक्शन, टेंशन या फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। वो सारे टेंडन्स जिनमें फ्रिक्शन, टेंशन या फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, उनमें कई बार इस तरह का ऑसिफिकेशन होने लगता है, और इसी को कहा जाता है सेसामोइड बोन्स। यानी इनिशियली टेंडन्स, उसके बाद उनके ऑसिफिकेशन से बन गया सेसामोइड बोन्स। और इनका काम क्या रहेगा, ये जो फ्रिक्शन, टेंशन और फिजिकल स्ट्रेस है उसको, उससे टेंडन्स को बचाना, ताकि वो ज़्यादा अमाउंट में वियर और टीयर शो नहीं करें। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार सेसामोइड बोन्स कम्प्लीटली ऑसिफाइड हो, यानी कम्प्लीट उनका ऑसिफिकेशन हो, ये भी ज़रूरी नहीं होता। और हर ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ सेसामोइड बोन्स में वेरी है ना। कई केसेस में ऐसा होगा, कुछ ह्यूमन बीइंग्स में आपको उसकी जगह पे टेंडन ही मिलेगा, तो कुछ केसेस में आपको वहाँ पर टेंडन की जगह सेसामोइड बोन देखने को मिलेगा। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रेस, फ्रिक्शन या टेंशन वहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो सेसामोइड बोन्स का नंबर वेरी करता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में। लेकिन सेसामोइड बोन का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, जो आपको करीब करीब हर ह्यूमन बींग में देखने को मिलेगा, वो है पटेला। हमारे नी में जिसे आप नी कैप कहते हो, इसको देख लो आप, ये जो ग्रीन कलर का दिखा रखा है,
कॉमन लैंग्वेज में इसको नी कैप कहा जाता है, जो बेसिकली एक सेसामोइड बोन है और इसका नाम है पटेला। इस बोन का नाम क्या है? पटेला। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पटेला बेसिकली यहाँ पर एक टेंडन हुआ करता है जिसका नाम है क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस। क्वाड्रिसेप्स नाम की एक मसल है जो ऊपर थाई बोन पे प्रेजेंट रहती है। उस क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस नाम की मसल का जो टेंडन है, उस टेंडन के ऑसिफिकेशन से जो है पटेला बोन का फॉर्मेशन होता है। और इसके अलावा भी कई अलग अलग तरह की सेसामोइड बोन्स आपको बॉडी में देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलेगी वो है हमेशा पटेला। इसलिए हम बेसिकली इसी का एग्जांपल हमेशा बताते हैं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको किसी भी तरह के अभी भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमको इंस्टाग्राम पे, हमारी मेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको पीडीएफ्स की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।